द्वारकाधीश जयकाल भैरव जय मलिमा। तो आज टॉपिक है आज की उनकी दिल की बातें। ओके, 6 नवंबर रविवार के लिए है ये रीडिंग। एंड आज मैंने लिए हैं टोटल 5 ऑब्जेक्ट्स। ये हैं कृष्ण कॉन्शियसनेस ओरेकल, ये है डिवाइन डायरेक्शंस, वी गॉट दी फॉर्चून कुकीज, वी गॉट दी टैरो एंड वी गॉट दी ओरेकल। तो इतने सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जो हम करने वाले हैं रीडिंग। लेट्स कनेक्ट टू इट। उसके पहले करते हैं मैनिफेस्टेशन कि भाई हमें सही गाइडेंस मिले, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग मिले, यूनिवर्स जो हमें साइंस दे रही है वो हम समझें। अगर किसी को एंसेस्टर साइंस दे रहे हैं, भगवान साइंस दे रहे हैं, तो वो अंडरस्टैंड करें। फिर चाहे वो न्यूमेरिक साइन हो या फिर जहाँ पे हमें कुछ एहसास होता है कि ये सिर्फ हमारे लिए है, तो वो चीज़ हम अंडरस्टैंड कर पाए। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, दिल की बातें होती हैं, बहुत नाजुक होती हैं, तो उसे अंडरस्टैंड करने की हिम्मत हमें मिले। सबसे पहले शुरुआत करते हैं फॉर्चून कुकीज से, ठीक है। चलते हैं दो कुकीज, एक आपके लिए और एक उनके लिए। लेट्स कनेक्ट टू इट, करते हैं इसको शफल एंड हियर वी गो। चलो चुनते हैं हम दो कार्ड, एक चुनते हैं आपके लिए, यस, और चुनते हैं उनके लिए। ओके, तो कुकीज आ चुके हैं। ऊपर वाले कुकी उनके लिए हैं और नीचे वाले कुकी आपके लिए हैं। सो लेट्स फोकस ऑन दैट वन, देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। जो पहले कुकी है आपके लिए वो है ट्विस्ट एंड टर्न्स। वाओ, केयरफुली मेड प्लान्स कुड बी थ्रोन आउट द विंडोज एज मेजर चेंजेस एंड इंटरप्शंस सराउंड यू। मेक श्योर यू गेट लॉट्स ऑफ रेस्ट टू कोप अप विद द अपहीवल। तो प्लान्स में चेंजेस यहाँ पे हमें दिख रहे हैं। ओके, सो अगर आपने प्लान्स में चेंजेस एक्सपेक्ट नहीं किए हैं, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो वहाँ पे सडन कुछ जो प्लान्स हैं आपके वो सडनली चेंज हो सकते हैं। सो दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट इट, ठीक है। तो जैसे कि आपको कहीं बाहर जाना है, अचानक कोई काम आ सकता है, या फिर रिलेटिव आ सकते हैं, या फिर कोई फ्रेंड आपकी हेल्प के लिए पूछ सकता है, ये तो हो गया छोटी सी बात। तो ऐसी कुछ चीज़ें आपकी ज़िंदगी में हो सकती हैं, तो सडन चेंजेस या फिर सडन ऑफिस वर्क भी आपको मिल सकता है। वही अगर हम देखते हैं इनके लिए, तो ये है नेचर, इंटरैक्ट विद नेचर इन द आउटडोर। तो इनके लिए भी तो है भाई कि खुद की हीलिंग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, खुद की सोल के हीलिंग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि नेचर से इंटरैक्ट करें। फिर चाहे वो कैट्स हो, डॉग्स हो, यू नो, बर्ड्स हो, स्क्विरल्स हो, वो अगर नेचर को देखने जा रहे हैं, अगर पेड़ पत्तों को भी देख रहे हैं, उनसे बातें कर रहे हैं, तो उनसे भी मन बहुत शांत होता है। तो अगर ये बहुत दिन से डिप्रेस्ड हैं, एंग्जाइटी से भरे हुए हैं, तो डॉक्टर्स भी कहते हैं कि भाई नेचर में जाओ, घूमो, पेड़ पत्तों को देखो, वो जो कलर होता है वो भी हमारे मन को शांत करता है। ये था रिगार्डिंग दी फॉर्चून कुकीज। उसमें से जो आपके लिए वो इनको भी रेफर हो सकता है और इनका आपके लिए भी रेफर हो सकता है। अब देखते हैं टैरो से हमें क्या रीडिंग मिलती है। करते हैं कार्ड्स की शफलिंग, हम चुनेंगे वन बाय वन कार्ड, ठीक है। सो लेट्स कनेक्ट टू इट, देखते हैं पहला कार्ड क्या है। एंड हियर वी गो, यस, ये आ गया पहला कार्ड। ये है नाइट ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। आई होप यू कुड सी दैट। इस कार्ड का मतलब तो यहाँ पे यही आ रहा है कि कहीं ना कहीं पे पर्सन जो है वो एक्चुअली एक कम्युनिकेशन की स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना चाहता है, ठीक है। मेरे हिसाब से वो कंफर्म करना चाहता है कि जैसे मैं कहूँगा वही येस होगा, जो मैं कहूँगा वही ना होगा। आई थिंक इस वजह से कह रहे हैं बिकॉज शायद अपसेट होंगे कि काफ़ी दिनों से अगर आप कुछ प्लान्स बना रहे हैं, शायद वो बहुत बड़े प्लान्स हो सकते हैं, या फिर बस कहीं पे जाना है और वहाँ उस जगह पे जा नहीं सकते हैं। आई थिंक काफ़ी ऐसे लोग हैं जो मेट्रो में रहते हैं या फिर सिटीज़ में रहते हैं, बड़े बिग सिटीज़ में, उनको पता होगा कि कई बार आप प्लान्स बनाते हो, चाहे वो 30 किलोमीटर्स दूर हो, लेकिन आपके लिए बहुत दूर की चीज़ होती है वहाँ पे जाना, फिर ट्रैफिक जाम लगते हैं। एंड मोस्टली जब छुट्टी का दिन होता है तब यू नो कार से जा रहे हैं या फिर ट्रेन से जा रहे हैं, तो अचानक से बहुत भीड़ मिल गई या फिर कुछ प्लान्स चेंज हो गए, तो फिर बहुत डिफ़िकल्टी होती। तो वही बात यहाँ पे कह रहे हैं, कुछ प्लान्स जो है आप दोनों के अगर कहीं पे मैच नहीं हो रहे थे, तो अब ये चाहते हैं कि फाइनली वो जो डिसाइड करेंगे कि पिछले समय कहाँ पे मिलना था, अब वहाँ पे ही मिलने की कोशिश वो आपसे कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हमें क्या मिलता है रीडिंग। एंड वी गॉट दीज टू कार्ड्स। ओके, द फर्स्ट कार्ड जो है वो है टावर। तो यहाँ पे उनकी डायरेक्ट फीलिंग आ रही है, काफ़ी चीज़ें जो हैं जो उन्होंने चाही थी लेकिन उनको मिली नहीं, उसी कारण ये अंडरस्टैंडिंग उनकी हो रही है। या आपके ऊपर शायद इतने गुस्से नहीं है, लेकिन जो गुस्सा है वो सिचुएशन के ऊपर है। ओके, हो सकता है कि उनके जो ओनर है मकान, मतलब उन्होंने भी शायद उनको कहा होगा कि भाई सबमिट करो अपना जो रेंट है वो, उसकी भी शायद उनको कोई इश्यू हो गया, फिर नया घर उनको ढूंढने को मिल रहा है। जो उनके बॉस है, मैनेजर है, वो अगर इतने सही नहीं हैं या फिर उनके ऊपर धौंस जमा रहे हैं, तो वो भी उनके लिए इश्यू हो सकता है। अगर ये अपने पिछले रिलेशनशिप से कुछ सीखे नहीं या फिर वो अभी भी अगर उनको परेशान कर रही हैं, तो वो भी एक चीज़ हो सकती है। ऐसे खड़े हुए 8 ऑफ सोर्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के लिए
तो यहाँ पे हमें कम्युनिकेशन में एक दरार दिखाई देती है, ठीक है। ये एक्चुअली जो कहना चाहते हैं वो कई बार अपने मन में छुपा के रखते हैं, शायद इसीलिए कि आपको पूरी तरीके से नहीं जानते। मे बी उनको आपका रिश्ता जो है वो छोड़ना नहीं है, कि शायद अगर आप इनके इनसे दूर चले गए तो इनको सपोर्ट करने के लिए शायद कोई नहीं है, ये उनकी फीलिंग हो सकती है। नेक्स्ट जो है वो है द डेविल, यानी कि भाई कैप्रिकॉर्न साइन यहाँ पे आ चुका है। अगर हम इस कार्ड को देखते हैं तो अंडरस्टैंडिंग होती है कि ये पर्सन जो है वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा सोच रहा है और आई थिंक मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे है। ओके, जो आ गया था ना कुकी इसके लिए कि नेचर में जाओ, मान लो आप किसी पेड़ पत्ते की तरफ जा रहे हो, यू नो बहुत सारे पार्क्स होते हैं, बहुत ही मिनिमल फी होती है उनकी, चाहे 10 रुपये हो 20 रुपये, वहाँ पे जाएं घूमें कोई आपको कुछ नहीं कहता, वहाँ पे जाके आपको कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा। लेकिन आप क्या सोच लो कि नहीं भाई मुझे मूवी जानी है या फिर मूवी मुझे कुछ कपड़े खरीदने हैं या फिर मुझे ये करना है वो करना है, बहुत अगर पैसे आपने हज़ारों रुपये भी खर्च किए, मन को तसल्ली नहीं मिलती। उस वक्त तक अच्छा रहेगा कि भाई 15 मिनट हो गए सब कुछ अच्छा चल रहा है, फिर कोई दोस्त चला गया, मन में नेगेटिविटी आ गई कि अब मैं अकेला कैसे कहूँगा, है ना। तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ये डेविल कार्ड हमें बता रहा है कि मटेरियलिस्टिक चीज़ों से बाहर निकलना है। तो ये पर्सन शायद वही आपसे कहने की कोशिश कर रहा है कि ये आपसे और कनेक्टेड होना चाहता है। लेकिन यहाँ पर एक और बात आती है, अगर ये आपको सिर्फ गिफ्ट्स दे रहा है, ठीक है, जैसे कोई लिपस्टिक हो गई या फिर कोई ड्रेस हो गया, यू नो चाहे या आपको कोई गॉगल्स ले दे लिए, ठीक है भाई ये ले लिए, लेकिन आप इससे परे हो, जो प्यार है वो दिल से होता है, यू नो, एंड अगर दिल से कनेक्शन नहीं है तो पहले वो इनको सेट करना पड़ेगा, यही उनके लिए अंडरस्टैंडिंग होगी दिन भर के लिए। नेक्स्ट एक थे हमें क्या रीडिंग मिलती है, नेक्स्ट कार्ड भी वो है 3 ऑफ कॉइंस, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे ऑनेस्टी इज द ट्रू पॉलिसी हमें दिखती है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपके साथ जो उनका रिश्ता है उन्हें मजबूत करने की जरूरत है। यहाँ पे आई थिंक वो किसी ना किसी चीज़ से भाग रहे हैं और ये भागना उनके सेहत के लिए या फिर ओवरऑल एनर्जी के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। नेक्स्ट एक्ट हमें क्या रीडिंग मिलती है, एंड वी गॉट दिस वन, चूंकि अभी 10 ऑफ सोर्ड्स। अगर हम इस कार्ड को देखते हैं तो बेसिकली ये इस रिश्ते के ना तो बिगिनिंग के लिए रेडी है ना तो एंडिंग के लिए रेडी है। तो ऐसे भी जो लोग हैं जो शायद आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है, अगर आप सिंगल हैं एंड रीडिंग देख रहे हैं, मे बी समबडी इज़ इंटरेस्टेड इन यू लेकिन वो रेडी नहीं है अभी आपसे शुरुआत करने के लिए प्यार की, इसलिए कि शायद उनको नहीं पता कि पहली स्टेप लेने के बाद दूसरी स्टेप क्या होनी चाहिए, या फिर उनको ये लग रहा है कि वो अगर खुद को ही नहीं जानते तो आपको कैसे जानेंगे। तो वो चीज़ें यहाँ पर आ रही है, तो कहीं ना कहीं आपको इनको मौका देने की ज़रूरत है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट ओरैकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। वाओ द लवर्स आ गया था यहाँ पे, ठीक है। अब देखते हैं भाई डिवाइन डायरेक्शन से हमें क्या रीडिंग मिलती है, एंड लेट्स कनेक्ट टू इट। हमें चुनने हैं सिर्फ कुछ कार्ड्स, देखते हैं वन कार्ड एंड हियर वी गो। जो पहला कार्ड है वो है गोल्स। तो यहाँ पे इस पर्सन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि वो कुछ गोल्स सेट करे। गोल्स का मतलब है जैसे कि मे बी आपसे मिलना है तो शुरुआत कैसे होगी, बातें कैसे करेंगे, कौन सी बातों के ऊपर ध्यान देंगे, कौन सा रेस्टोरेंट उन्हें चुना है या फिर कौन सी प्लेस चुनी है जहाँ पे आपसे मिलना चाहते हैं, वो सारी बातें यहाँ पे काफ़ी मैटर करती हैं, ठीक है। यहाँ पे दो कार्ड आ चुके हैं, जो पहला कार्ड है वो है आस। तो पहला जो सबक है उनके लिए वो है पूछना, ठीक है। मे बी इनको लग रहा है कि ये शायद ठीक से तैयार नहीं होते या फिर ऐसी कोई तो बात है जो आपको परेशान करती है इनके बारे में, तो ये आपसे क्लियरली पूछ सकते हैं, ओके, ताकि इनको सटीक जवाब मिले। नेक्स्ट कार्ड है वो है पैशन। नाउ इट इज़ ऑल अबाउट दैट वन। पैशन का मतलब सिर्फ सेक्सुअल एनर्जी नहीं होता बल्कि बहुत सी चीज़ें होती हैं, जैसे कि मे बी ये बहुत अच्छे एक्सरसाइज करते हैं या फिर काफ़ी खुद को फिट रखते हैं, तो क्या आप दोनों इसके बारे में बात करते हो। मे बी आपको इनका फिटनेस बहुत पसंद है या फिर जिस तरह से ये एटीट्यूड दिखाते हैं या फिर जिस तरह से अपने आप को हेल्दी रखते हैं, हेल्दी डाइट लेते हैं, आपको पता है या आपको अच्छा लगता है, तो ये बातें आप दोनों के बीच होनी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखते हैं फोर्थ कार्ड यहाँ पे क्या है, दैट इज़ दिस वन, जो कि है भाई फैमिली। तो यहाँ पे आई थिंक फैमिली बहुत ही मेजर रोल प्ले कर रही है, यानी कि भाई आप सिर्फ इनके ऊपर डिपेंड नहीं है, मे बी आपको इनकी बैकग्राउंड भी पता है और इनकी फैमिली कितनी अच्छी है भी पता है, तो लेकिन शायद ये अपनी फैमिली का नाम नहीं लेना चाहते या फिर ये अपनी फैमिली से दूर जाना चाहते, तो वो चीज़ थोड़ी सी डिफरेंस यहाँ पे शायद क्रिएट कर सकती है, आई थिंक सो। अब देखते हैं कृष्ण कॉन्शियसनेस ओरैकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग, एंड हियर वी चूज अ फ्यू कार्ड्स। यस, जो पहला कार्ड आ चुका है वही है ब्लेसिंग्स।
एक्चुअली इस पर्सन को ब्लेसिंग्स मिल रहे हैं एंड किसी किसी हालात में एक्चुअली ब्लेसिंग्स मिल चुके हैं। तो क्या इंपॉर्टेंट है, जो ब्लेसिंग्स मिल रहे हैं उसको और ले, मिल चुके हैं उनका उपयोग करें, ठीक है। अब ये कैसे यूज़ करेंगे, उनकी फैमिली में जो बुज़ुर्ग हैं उनका ख्याल रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंटली ब्लेसिंग्स हैं, अगर ये रिश्ता जो आप दोनों का है वो ब्लेसिंग के कारण बना हुआ है तो इस रिश्ते को संभाले। ये ना करें कि भाई कोई नेगेटिव बात उन्होंने शुरू कर दी या फिर अचानक ही पैशनेट फीलिंग आ गई जबकि आप रेडी नहीं हो तो नेगेटिव तरफ ये रिश्ता चला गया। तो इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आप दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट करके ये बताएं कि हमारे लिए क्या सही है फिलहाल या क्या नहीं है। नेक्स्ट कार्ड हमें यहाँ पे मिला है वो है बी हम्बल, जो सबसे बड़ी बात इस पर्सन के लिए है और जो शायद उनके एटीट्यूड में दिख भी सकती कि ये अचानक से हम्बल हो सकता है, यानी कि भाई जो गुस्सा है उसको छोड़ देना है और शांतिपूर्ण तरीके से जो चीज़ है उसको एक्सेप्ट करनी है। तो मे बी अगर इन्होंने ये सबक सीख लिया है तो बाकी दिनों के मुकाबले आज आप इसको और बहुत ही ज़्यादा शांत महसूस कर सकते हो। नेक्स्ट जो थर्ड कार्ड आ चुका है वो है ये भाई इटर्नल बॉन्ड। आप दोनों के बीच जो इटर्नल बॉन्ड है, जो अंडरस्टैंडिंग है, मे बी पिछले जन्म के जो कनेक्शंस हैं, सोलमेट कनेक्शन व्हाटएवर, ये महसूस अगर होने लगे हैं तो कहीं ना कहीं आप स्पिरिचुअलिटी में भी आगे बढ़ चुके हो। जो नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे आ चुका है वो है फ्लो विद द रिदम। भाई ज़िंदगी आपको जो सिखाती है आपको उसे अंडरस्टैंड करते ही रहना है और आगे बढ़ते रहना है, पता नहीं ज़िंदगी हमें कब क्या सिखा देगी। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे क्या कार्ड मिलता है। जो पहला कार्ड है वो है फेथ। तो इस पर्सन को पहली बात तो फेथ रखने की ज़रूरत है, यानी कि भाई कहीं ना कहीं पे अगर ये क्वेश्चन करते हैं, चाहे वो आपके ऊपर हो या फिर इवन तो भगवान के ऊपर भी हो, ठीक है, क्वेश्चन करना सही बात है, उस पर कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन फेथ रखना सीखो। हर चीज़ हम कंट्रोल नहीं कर सकते एंड दैट इज़ द ट्रू थिंग। देखते हैं और हमें कौन से कार्ड्स मिलते हैं, करते हैं हम दोबारा से शफलिंग, ठीक है, जस्ट मिनट एंड हियर वी गो, ठीक है, करते हैं एक दोबारा और शफल एंड हियर वी गॉट दिस कार्ड भी जो कि है सर्विस एंड फाइनल कार्ड है डिस्कवरी। तो इन दोनों कार्ड का मतलब यहाँ पे आता है कि कहीं ना कहीं इनको ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि समय समय पे हमें हेल्प मिलती है और हेल्प करनी भी पड़ती है। तो आज का दिन वो आपके साथ नहीं बिता सकता है, लेकिन थोड़ा समय जो है उनको, जैसे कि ना आपके लिए आ गया था कि जो टाइम टेबल है वो थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, तो शायद ये वो समय किसी और के लिए, शायद फैमिली में कोई एक पर्सन या फिर इनको सड़क पे ही कोई एक व्यक्ति मिल जाए जिसको इनकी हेल्प करने की ज़रूरत हो सकती है। एंड जो फाइनल कार्ड है वो है डिस्कवरी। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो वो कर सकते हैं और अगर वो करते हैं तो अपने आप में काफ़ी सारे चेंजेस महसूस कर सकते हैं। यू नो एज पर फॉर्चून की अगर इनको एंग्जाइटी है, डिप्रेशन या फिर कोई तकलीफ है तो उसका निजात उनके ही पास है। अगर अपना दिल हल्का रखेंगे तो दुनिया भी इनके लिए बहुत शानदार दिखेगी। इट हर रिंग, आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।